मशीन चलाने के लिए पहले तो कॉटन का कपड़ा यह ले लिया है हाथ में, उसको बढ़िया से सीधा सीधा लाइन खींच लेनी है। लाइन खींचने के बाद मशीन अगर आपको बढ़िया से पहले से ही चलानी आती है तो कोई बात नहीं, अगर धागा डालना भी नहीं आता है तो भी वह हम बता देंगे। अभी आप सीखेंगे कि सीधी सिलाई कैसे करनी है मशीन चलाते वक्त। अगर ये तो मोटर लगी हुई है फिलहाल, लेकिन हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे अभी धागा लगा हुआ है, तो सिर्फ सीधे यानी मैं जहाँ बैठी हूँ वहीं पे यह मशीन को सीधे सीधे खींचते चले जाना है, जैसे कि मशीन धीरे धीरे कपड़ा जो है पीछे सरकाएगी तो सिलाई बराबर से आ जाएगी। बाद में अगर मोटर चलानी है तो धीरे धीरे पैर रख के हम उसको भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे गाड़ी चलाई जाती है उसी तरह से धीरे और फास्ट चलाने के लिए ज़्यादा एक्सेलेटर दबाना पड़ता है, उसी टाइप से यह मशीन चलाई जाती है। बाद में मैंने यह स्केच बनाए हुए हैं, वहीं पे आपको टिप लगानी है। जब आपको यह आ जाए कि यह टिप सीधी है तो सीधी पे अगर आप मशीन चला सकते हैं तो आपको मशीन चलाना बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। बाद में यह हो जाने के हम इसको कोना कोने में चलाना सीखेंगे। फिर ऐसे ही आपको भी जब मशीन चलाने की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो आप बढ़िया मशीन चलाना सीख जाएंगे। इसीलिए मैंने यह आपको प्रैक्टिस के लिए बताया है। जैसे कि हम एक लाइन लिखने के लिए 100 बार लिखेंगे तो इसको भी 100 बार हम चलाना सीख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी सिलाई खराब होने का मतलब ही नहीं। हम अभी सीधा सीधा लाइन ऐसे चलाएंगे। अगर धीरे धीरे जैसे कि मैंने चलाया तो यह सिलाई इधर आ गई। अगर मैंने यहाँ पे लाइन लिया हुआ है तो मशीन बराबर यही पे चलनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं कि बराबर सिलाई आना। आगे कैसा है, टेढ़े में है तो धीरे से खटका उठाएंगे और कोने में रुकेंगे। कोने में रुकने के बाद फिर उठाएंगे, फिर कोने में रुकेंगे, फिर कोने में रुकेंगे। इस तरह से आप डायरेक्ट मोटर पे मशीन कैसे चलाए वह भी सीख सकते हैं। फिर धीरे से कोने में सुई गड़ा के रखनी है। बाद में यह इस टाइप से घुमाते रहना है कि टिप आपकी बराबर आ जाए। बाद में फिर से इसी तरह से, यानी कि यह प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप मशीन चलाना नए में सीख रहे हैं तो, ताकि बाद में आपका कपड़ा जो है वह खराब ना हो जाए। इसीलिए इसी तरह से मशीन चलाना सीखना बेहद जरूरी है। धागा लगाना सीखना है तो वह भी हम आपको बता देंगे। और फिर से सीधा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपको यह खटका उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोने में सुई मात्र गड़ा के रखनी है और कपड़े को ऐसे ही जैसे दिखाया गया है वैसे घुमाते रहना है। और बाद में यह प्रैक्टिस करने के बाद आपको सिलाई बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगी।